सालों में अमेरिका की इकानमी के बराबर आ जाएगी भारत की इकानमी। बिल्कुल मोदी साहब ने अपना वादा कर दिया है कि मैं अगर तीसरी टर्म के लिए आता हूँ तो हमारी इकानमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकानमी इन द वर्ल्ड राइट आफ्टर अमेरिका चाइना। जापान को वो सुपरसीड करके तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और लग रहा है वे उनकी स्पीड है जिस तरह वो ऐसे चल रही है। आपके इंटरनल हालात ये हैं कि आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि आपके तीन अटैक हो चुके हैं केपीके के अंदर आपकी टीटीपी के, उसके बाद आपके मैंने अभी मुझे 12 खरब के नए प्रोजेक्ट्स इस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं जाने से पहले और किसी को कोई पता नहीं है। बल्कि मैंने आज ट्वीट किया है आई एम शॉक कि विद इन 30 मिनट्स उसके तकरीबन 8,000 व्यू हैं। ट्वीट सिर्फ मैंने ये की थी, क्या पाकिस्तानियों का हक ये नहीं बनता कि वो उनको बताया जाए कि IMF के जो पैसे आ रहे हैं और जो मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं वो जा कहां रहे जा कहां रहे। कोई बाइज्जत पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई जुडिशरी का बंदा जो सारे बाहर के पड़े हैं हार्वर्ड के, कौन को सिर्फ ये रिसर्च करके बता दिए कि जो बता दे कि ये जो पिछले कर्जे लिए थे वो कहां गए, वो किसने खाए हैं, सिर्फ बता दे। ये नहीं आपको वापस लाने की सलाहियत तो आपके पास है नहीं है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो जीरो है आपकी, आपका तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ही करप्शन में इन्वॉल्व है, तो फिर आप कहां आप क्या करेंगे। लेकिन सर हमारे यहाँ तो यह हाल है कि एक जो सिविल जज की वाइफ ने अपने हाँ। मेड को जो बच्ची थी उसको मार मार के बिल्कुल मरने वाली हालत कर दी है और टीवी चैनल नाम नहीं ले रहे, कह रहे थे सिविल जज की बेगम साहिबा की उसकी बीवी की जमानत हो चुकी है, हालांकि वो सिविल जज है, लोअर जज है इसका, लेकिन उसको किसी की जरूरत नहीं उनके खिलाफ होने। ये आपकी सोसाइटी, आप यू आर एज अ कंट्री नीचे नहीं जा रहे, यू आर गोइंग डाउन एज अ सोसाइटी, मॉरल्स बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुके। पहले तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि स्लेवरी को बंद क्यों नहीं किया जा रहा, ये बच्चों की लेबर जो है छोटे छोटे बच्चियां घरों में बुला के जो इनसे स्लेवरी का काम लिया जा रहा है, इनकी इजाजत किस तरह दी जाती है, मुझे तो इस चीज का बड़ा सबसे बड़ा इलीगल है सर, मना किया लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। लीगल वो तो जज है भाई, वो कहते हैं ना ऊपर खुदा है नीचे ये खुदा बन के बैठे हैं, तो आपको कौन बचाएगा, मॉरल्स नहीं है उस औरत के, उसको एक छोटी बच्ची पे। और ये दूसरा वाकया है, तीसरा नहीं है, वो तो हर जगह पे रहा है, ले तो ये तो खबरों में आ गया है ना, वो तो हर घर में यही रहा है, वहां शर्म ही नहीं आती। मैंने कई दफा पाकिस्तान गया हूं, मैंने बड़े बड़े लोगों के घरों में मैंने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां 8-8 साल की बच्चियां फर्श साफ कर सर घरों में क्या सर, जो शॉपिंग मॉल्स है वहां पर लेकर आती हैं औरतें अपने साथ छोटी छोटी लड़कियों को जो उनके बच्चे उठा के घूम रही होती हैं। आरजू मैंने फैशन बताऊं आपका, आपके कंट्री के अंदर क्या फैशन है, ये तो छोटे लोगों की बात कर रहे हैं, जो बड़े लोगों की बात सुने उनके वहां तो फैशन मैंने देखा है कि साथ फिलिपिनी नैनियां रखती हैं, फैशन है ये। मैंने वहां देखा कि जब लड़कियां साथ रशियन और फिलिपिनी नैनीज को लेके आती हैं जो करप्ट अफसरों की बीवियां हैं, जो करप्ट लोगों के जो बच्चे हैं वो उनके फिलिपिनी नैनियों ने उठाए होते हैं साथ, ये फैशन है आपका। लेकिन आप एज ए सोसाइटी खत्म हो रहे हैं, जहां से जिन लोगों के अंदर जानवरों जैसा एक जिबिलत हो कि एक छोटी बच्ची को मारती रही और बंद करती रही उसके और फिर उसका इलाज नहीं कराया, उसके सर के जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं, ये किस किस्म की ये औरत थी जिसने ये किया, उसकी अपनी औलाद नहीं, कोई उसको खुदा का खौफ नहीं है कि किसी दिन उसने भी मरना है, फिर उसको बंद करके रखती रही और फिर उसको किसी जज ने उसको उसकी बेल बिफोर अरेस्ट उसकी बेल ले ली। एज अ सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी, नॉट एज अ कंट्री। कंट्री तो आपने बनाया ही नहीं ना, कंट्री तो आपको धोखा दिया गया 1947 में, धोखा दिया गया सबसे बड़ा कि हम पाकिस्तान बना रहे हैं। कब बनाया आपने पाकिस्तान, मुझे कोई डिफाइन कर दे बंदा हमने पाकिस्तान बनाया, मुझे तो नजर नहीं आता पाकिस्तान, आपको नजर आए तो मुझे बताइएगा, ये धोखा किया गया आप लोगों को। ये तो सर ऐसा तो जानवर भी नहीं करते जो इन खातून ने किया। लेकिन सर साथ साथ शब्बर जैदी साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा इमरान खान की गवर्नमेंट अगर एक साल और पीटीआई रह जाती तो इकोनॉमी का बिल्कुल ही वो कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया होता, वैसे अभी भी कोई खास अच्छी नहीं है लेकिन बहरहाल उनका ये स्टेटमेंट है। देखे उसके बारे में तो शब्बर जैदी साहब ने क्या कहना है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रिंट किया ये आर्टिकल आज से 2 महीने पहले कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे करप्ट जो कैबिनेट थी वो खान साहब के दौर में थी, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल तो थर्ड पार्टी है ना, तो उसको छोड़े। मैं एक और बात आपसे बात करना चाहता हूं, यहां पे अगले दिन कैपिटल हिल पे जो ड्रामा इन्होंने किया जो कि वो पीरजादा साहब का बड़ा वो वायरल हो रहा है आजकल, लेकिन साथ एक और इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं, उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस मैनों को कह रहे हैं कि आपने $3 करोड़ $3 बिलियन का तोहफा पाकिस्तान को क्यों दिया है,
ये उनको क्या रेंज खड़े होके इनको सर मोहित पीरजादा, सर मोहित पीरजादा की बात कर रहे हैं आप, सर उनका खुद का, मैं उसी उसी शो की बात कर रहा हूँ जो कैपिटल पे। लेकिन मैंने अगले दिन एक आप इनके पीटीआई के बहुत बड़े लीडर्स के डिनर टेबल पे मैंने बात की। मैंने कहा ठीक है जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अपने अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने लीडर को पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप लोग आज तक पाकिस्तान के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? आप एक शख्स के लिए इतना इकट्ठा हो गए, आप अपने मुल्क के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हुए आज तक 76 सालों में? आज तक किसी मर्द मोमन ने यहां अमरीका में इन लोगों ने, डॉक्टरों ने, जो कुछ भी, पाकिस्तान को के लिए लॉबी क्यों नहीं किया? इन्होंने एक शख्स के लिए, एक मजहबी शख्स, इनका मुर्शिद है वो, उसकी उसके लिए लॉबी कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा लाया जाए, पाकिस्तान के लिए लॉबी क्यों नहीं की? मेरा अलमिया ये है कि ये बहसीते ये पार्टियों में, मजहबी फिरकों में ये सारे बटे हुए हैं, ये एक एक इस्लाम क्यों नहीं समझते? अपने आप को मुसलमान सिर्फ क्यों नहीं कहते और पाकिस्तानी क्यों नहीं अपने आप को समझते? मेरी समझ से बाहर, मेरी समय से बाहर है कि आज तक जो यहां से पढ़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो यहां फिर रहे हैं, मुझे इनमें पाकिस्तानियत नजर नहीं आती। हर एक बंदा अपने अपने मुख्तलिफ एजेंडे पे फिर रहा है, लूट लूट मार के चक्कर में पड़ा है, यहाँ पे फंड इकट्ठे कर लेते हैं पीटीआई के कारकुनों से और वो खा रहे हैं, डकार मार रहे हैं, बस यही कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं। अफसोस है जो कल इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर बदनाम किया, ज्यादती की, लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस मैन जिनके सामने आप चीख रहे हैं, जिनके सामने आप रिक्वेस्टें कर रहे हैं हमें लेकर आए, उनका उद्यार पावरलेस, वो पावरलेस, उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। उसकी दो वजूहात बताता हूं, एक तो वो सारे इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, वो आपसे बात भी करेंगे तो इंडिया से इजाजत लेके करेंगे, पूछ के नहीं, इजाजत लेंगे। एक दूसरी बात ये कहूंगा आपके लिए इतला अर्ज है, अगर इतने अच्छे इतने स्ट्रांग होते तो सऊदी अरेबिया को चाइना के कैंप में जाने से रोक लेते, अगर इतने स्ट्रांग होते तो जूते खा के जलील होके अफगानिस्तान से ना निकलते। आप ये गलत लोगों के सामने जाके नाक की लकीरें निकाल रहे हैं। आप कोशिश करें पहले पाकिस्तानी बने, पहले पाकिस्तानी बने, ये मजहबी पार्टियों को प्रमोट करने से पहले सोचें कि आपने 3.5 साल क्या किया इस पाकिस्तान के साथ, जो आके वापस फिर दोबारा करोगे। और सर जो ये कहानियां सुना रहे हैं वो पीरजादा साहब और दूसरे, वो खुद बहुत बड़े चोर हैं, उनके बारे में तो खुद बहुत स्कैंडल्स बन रहे हैं। सारी चीजें तो आरजू सब सारी बाहर चीजें निकल के आ रही हैं। 2-3 मैंने ब्लॉग जो है वो सुन चुका हूँ जिसमें उनकी वालदा के कत्ल की स्टोरी आ चुकी है, उनकी अबूजबी के अंदर अरेस्ट की स्टोरी निकल के आ चुकी है, उनकी अपने ही वालिद के लगवा रहे थे, अपने ही एक दोस्त की बीवी से उन्होंने शादी कर ली। 3-4 स्टोरियां इस वक्त आ रही है, ये मेरा नहीं है, मैं तो सुना, मैंने ये चल रहा है इस वक्त। लेकिन अफसोस है कि ये सारी चीजें बाहर बैठ के किसी दूसरे कैपिटल में इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। और ठीक है करो, अपने आप को प्रमोट करो, लेकिन खुदा रहा पाकिस्तान को भी प्रमोट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी पार्टी के आगे पीछे जाओ, लेकिन जब पाकिस्तान तकलीफ में होता है, सलाब के लिए कितनी लॉबी की आपने? कोई नहीं की, कुछ चंदे इकट्ठे करके इन्होंने भेजे पाकिस्तान में सलाब के लिए, वो सड़कों में बैठे अभी भी। हाँ वो मुर्शिद है ना, पीर साहब है, उनके माया बहुत है उन्होंने, अलबत्ता पीटीआई के जमाने में कहा जाता है कि बहुत उन्हें डोनेशन जो डोनेशन इन्होंने आपके कोविड के ऊपर जो सारी एड आई है वो जो खाई है, मैंने वजीर आजम के फंड से पैसे निकाल के खाए, आज तक किसी ने उसका जवाब दिया? क्या मॉरल्स हैं? लेकिन क्या करें, फिर हम पाकिस्तान कहते हैं, कहने को पाकिस्तानी है, कहने को पाकिस्तान है, कहने को हम दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, हम बहुत बड़े लोग हैं। आज मेरा दिल करता है कसम से, मैं आज नाइजर के अंदर वहां पे कू है, वो बिल्कुल आपके साथ स्टोरी मिलती है, उनकी चौथा कू है उनका वहां पे चल रहा है, टोटल सारी स्टोरी नाइजर के साथ मिलती है, बिल्कुल नाइजर लग रहे हैं। श्रीलंका भी अब आपसे बेहतर लगना शुरू हो चुका है जो बैंकरप्ट हो चुका है, अफगानिस्तान जिनका कोई सर पैर नहीं वो भी आपसे अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन आप अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा इन लोगों को बताएं कि IMF और जो नए डॉलर आ रहे हैं और $10 बिलियन की जो लग रही है रिफाइनरी ग्वादर में, उसको कौन कौन लूटेगा, कौन कौन उसको उसका माल निकाल के लंदन लेकर जाएगा, और किसी ये जो बाहर के पड़े हुए आपके जज और एस्टेब्लिशमेंट है हार्वर्ड के और ये सारे एचिसोनियन है, और खुदारा पाकिस्तान पे तरस करो, इनको बताओ 76 साल में जो कर्जे लिए वो कौन कौन लूट के खा गए, कौन कौन लेके भाग चुका है, चाहे लाओ ना लाओ वापस, इनको बता तो दो। कहते हैं इसका होती है आरजू जब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया जाए, आज भी नहीं कौन को बताया जा रहा कि IMF पैसा कहां लगाया जाए,
सर कैसे बताएंगे, ये कुछ मानने को तैयार नहीं होते। मुझे तो उम्मीद है, मुझे तो यकीन है कि ये पैसा पाकिस्तान आएगा ही नहीं है, ये बाहर से बाहर ही अकाउंटों में ट्रांसफर होता है, एक से निकल के दूसरे। इनकी प्रॉपर्टी इनके जब इनके घर देखें जाके आप टोरंटो में, 20-20 ग्रेड के अफसरों के $5-5 million के घर है वहां पे, देखें कभी। मेरी ख्वाहिश है, मैं किसी में सोच रहा हूँ मैं ये वीडियो बनाऊ जाके, मैं दो शहरों पर